कांग्रेस ने चौधरी राकेश चतुर्वेदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे बीजेपी छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में वापस जाए हैं, जहां कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। राकेश सिंह ने बीजेपी के अंदर बड़े नेताओं को बेइज्जत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से सभी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, वह सिर्फ इसलिए कि उनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाए और बड़े बेइज्जत होकर ये लाइन से हटे। आपको बता दें कि चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी दिग्विजय सिंह सरकार के समय कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन 2018 के चुनाव में वे कांग्रेस से बागी हो गए थे और बीजेपी में शामिल हो गए थे। ब्राह्मण और पंडित लोगों से बिना आशीर्वाद लिए बिना मुहूर्त निकलवाए तो हम लोग कोई काम करते ही नहीं, और ये तो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसको हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जब डिक्लेयर की लिस्ट अपनी, तो 9 दिन जब शुरू हुए नौमी का पीरियड, तब उन्होंने लिस्ट जारी की है सुबह। तो मुहूर्त देख के चलना, तो हम लोग सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं और सनातन को देख के चलते हैं, मुहूर्त देख के चलते हैं।